ऐसी बात नहीं है प्रिय, सो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बात जरूर है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं प्रिय, कोई ऐसी बात नहीं है, सो जाओ। यहां भगवान, मेरी पत्नी गहरी नींद में सो गई है और इसे इसी बियाबान जंगल में छोड़कर भाग जाऊं। यदि अपने बीवी बच्चे को साथ रखता हूं तो किसी कोने में छुप नहीं पाऊंगा। पैसे की लालच में हमें कोई ना कोई अवश्य पकड़वा देगा और मेरे पकड़ जाने पर मेरी जान जाएगी, मेरे मासूम बेटे व पत्नी की जान भी चली जाएगी। और काश भगवान के सहारे पर अपने बीवी बच्चे को छोड़ देता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी फांसी हो जाएगी, मेरे बीवी बच्चे की जान बच जाएगी। क्योंकि पदम सिंह मुझे पहचानता है, मेरे बीवी बच्चे को नहीं पहचानता। प्रिय, बेटे की जान बचाने के लिए इतना बड़ा धोखा देकर जा रहा हूं और नींद खुलने पर अपने पद की गलती को माफ कर दो। बेटे को सही मार्ग दिखाना, बुराइयों के रास्ते से बचाना प्रिय, और काश जिंदा रहा तो मिलने की कोशिश करूंगा। और आज से मैं अपना नाम वीर सेन से बदलकर एक डाकू सांगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा और महाराज परम सिंह तुमसे बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह तूने बेदर्दी के साथ मेरे पिता का खून किया, मेरी हुकूमत छीन ली, मेरे बीवी बच्चे बिछुड़ रहे, उसी तरह मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बेटा, ये तेरा पिता तुझे छोड़कर जा रहा है और काश दुनिया में जिंदा रहा तो मिलने की कोशिश करूंगा बेटे, मिलने की कोशिश करूंगा। ये आपने क्या किया, इस बियाबान जंगल में अकेली छोड़कर आप कहां को चले गए? मैंने आपके साथ कौन ऐसी गलती की थी जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया? जाते जाते आपने मुझसे जरा भी नहीं बताया, आप मेरी ख्याल न करते, जाते जाते
आपने इस छोटे से मुन्ने का जरा भी नहीं ख्याल किया। मैं कहाँ को जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ? इस बियाबान जंगल में मेरा सहारा देने वाला कौन? प्राणनाथ, आपने तो सारी जिंदगी साथ निभाने की कसम खाई थी और आज आप मेरे प्यार को ठुकरा कर चले गए। आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार किया, खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया। तुम ने मेरी दुनिया में आकर, तुम ने मेरी दुनिया में आकर मुझसे कैसे मुंह मोड़ लिया। ना ना। अबे खूनी के आंसू पीना है तन हाई में मुझको जीना के, अब सोस सहारा दे दे कर, अब सोस सहारा दे दे कर, किस मोड़ी पे लाके छोड़ दिया। खुद प्यारी किया तक दीर बता तू ने मुझको, तक दीर बता तू ने मुझको, किस मोड़ी पे लाके छोड़ी दिया। खुद प्यारी किया या मेरे मालिक, जब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं तो इस जिंदगी से मौत ही ठीक। वो जो सामने दरिया दिखाई पड़ रहा, उसी दरिया में डूबकर मैं अपनी जान दे दूं। प्राणनाथ, अगर मैं इस हालत में कहीं जाती तो आपकी बदनामी होगी, आपकी तौहीनी होगी। इसलिए आज से मैं अपना नाम चित्रा से बदलकर अपना नाम वेदना रखती हूँ। या मेरे वाली, दो खंसों का जोड़ा बिछड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब जित
तेजी छोड़ूंगी सैया न डगरिया तोरी, ऐसे बीत जाएगी ये सारी उमरिया मोरी। गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो रामा। आस की आस गई दिल का सहारा भी गया, मेरा सूरज भी गया मेरा सितारा भी गया। प्रीत करके कभी प्रीतम से न बिछड़े कोई, जैसी उजड़ी भूवे से न उजीड़े कोई। जिया मोरा मुश्किल में पड़ी गयो रे, जिया मोरा मुश्किल में पड़ी गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे, गजब भयो। या प्रभु, ऐसे घनिष्ठ जंगल में ये सयानी लौट के इतने खेस कदमों में कहाँ भागी जा रही है? इससे इतने बड़े बड़े खूंखार जानवरों का भय नहीं, किसी प्रकार का इससे हृदय के अंदर खौफ नहीं है? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये किसी मुसीबत की मारी है या किसी पापी ने इसको सताया होगा। मैं चल करके इसका पता लगाऊं कहीं ऐसा तो नहीं ये अपनी अनमोल जिंदगी को कहीं मौत के घाट ना उतार बैठे। नारायण की जी हो, नारायणम विश्वमाया कौतुक निधि से, नारायण की जय। कैसी मैं प्रभु, कैसी मैं नारायण। या मेरी मानी, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये जो दरिया बह रही, इसी दरिया में डूबकर मैं अपनी जान दे दूं। ठहर जाओ पुत्री, ठहर जाओ सौभाग्यवती पुत्री। क्या करना है बेटा, जो इस दुनियावी परंपरा से ऊब करके गमों के दहलीज में अपने कदमों को बढ़ा करके, अरे तुम मौत को आगोश में ले रही बेटा, क्या कारण है बेटा? गुरुदेव, क्यों मरना चाहती है तू? आपने मुझे मरने से क्यों बचाया बेटे? मुझे मर जाने दीजिए बेटे, ये तो मेरा कर्तव्य है, और मेरा ही नहीं, ये प्रत्येक ह्यूमन को फर्ज है बेटा। और बहती है क्यों तुम्हारी आंखों से अश्रु धारा, क्यों तुम्हारी आंखों से अश्रु धारा, और रहती कहाँ वो बिटिया, क्या नाम है तुम्हारा?
बेटी तू कहाँ की रहने वाली है, तू किसके घर की जेते बेटा, बोल तो सही। गुरुदेव क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी मुझे इस बियाबान जंगल में अकेली छोड़कर ना मालूम कहाँ को चले गए। तो मैंने सोचा कि जब इस संसार में मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं तो ये जिंदगी से मौत ही ठीक। मैंने सोची ये जो दरिया बह रही इसी दरिया में। नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा नहीं, जिसका सहारा देने वाला कोई नहीं होता बेटे, उसका सहारा तो भगवान देता है। और तू तो मेरे पूजा स्थल पे आ पहुंची है। एक बार त्रेता युग में आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने मिथिलापुरी की जनक नंदी राजेश्वरी सीते को घर से निकाला था बेटे, परंतु बेचारे वाल्मीकि ने शरण दी थी। और आज मैं तुझे शरण दूंगा, आज के बाद तू मेरे आश्रम पे प्रेम के साथ रहेगी बेटा, प्रेम के साथ रहेगी, तुझे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने पाएगी बेटा। गम में जो खुशी मनाए उसी को गीत कहते हैं, और मुसीबत में जो काम आए बेटा उसी को गीत कहते हैं। काम क्रोध मद को जीते बेटा उसी को जीत कहते हैं, और जो कयामत तक नहीं सके बेटा उसी को प्रीत कहते हैं। आज के बाद तू मेरी पुत्री है, चल बेटा, परंतु ये तेरी गोद में क्या है? गुरुदेव मेरी गोद में है? एक छोटा सा मुन्ना। धन्य हो बेटी, धन्य हो, सीते की गोद में लव था और तेरी गोद में ये मासूम बालक। अरे नादान बेटी, तू अपनी जान दे रही और एक अबोध बालक की जिंदगी को छीन रही है। ले चल बेटा इसका पाल पोषण कर, ये तेरा बेटा होनहार है, सदाचार गुणवान द्वितीयवान धर्म परायण है बेटा। ले चल, जब ये सयाना हो जाएगा तो मैं इसे वो कलाएं सिखला दूंगा बेटा, आलूर इसका नाम हो जाएगा, इसे मैं एक स्नेक चार्मर का रूप दे देंगे बेटा, शाप दिखाएगा बीन बजाएगा और अपनी आधुनिक कलाओं को दिखा करते प्रत्येक राजाओं के हृदय को मुग्ध कर देगा। जो कुछ कमाएगा खुद खाएगा और बेटे उसी में तेरा भी जीवन निर्वाह होगा। चल या प्रभु, आज ऐसे ऐसे बच्चे कैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है इन बच्चों को। धन्य है प्रभु, कैसी माया है, आ बेटे आ मेरे साथ, आ पुत्री आ, आ बेटा। मंत्री शमशेर सिंह, कहिए वीरसेन का कोई पता चला? सम्राट, तलाश जारी है लेकिन अभी तक वीरसेन गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर जब वीरसेन गिरफ्तार होगा तो आपके सामने पेश किया जाएगा। शमशेर सिंह, तलाश जारी रखा जाए। क्यों नहीं सम्राट? क्योंकि वीरसेन का पकड़ जाना बहुत जरूरी है, और जब तक वीरसेन हमारे समझ नहीं आता, जब तक हमारे दिल को चैन नहीं है, मुझे वीरसेन जिंदा या मुर्दा चाहिए। बहुत जल्द गिरफ्तार होगा। महाराज, आप हुक्म दे मैं इस गद्दार की खोपड़ी उड़ा दूं। ये वही शख्स है महाराज जिसकी वजह से मुझे पहाड़गढ़ से हार कर भागना पड़ा। क्या हुक्म है गद्दार के लिए? क्यों, पहाड़गढ़ रियासत का रहने वाला है? हाँ महाराज, मैं पहाड़गढ़ रियासत का रहने वाला हूँ, और एक हफ्ते हो गए महाराज, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, एक एक दाने के लिए मोहताज हूँ महाराज। इसलिए मैं आपके शरण में एक शरणार्थी बनकर आया हूँ महाराज, मुझे नौकरी चाहिए, हम नौकरी करना चाहते हैं। तो हरे तरह के मनई भूखे मंगे हैं, तुम्हें ऊपर हमारा वही दिन से खून सुलूक रहा है। शमशेर सिंह, इसे बातें करो, बोलो ये क्या चाहता है, क्यों आया है, किस गरज से आया है? गौरे,
पहाड़गढ़ का रहने वाला है। हाँ मालिक, मैं पहाड़गढ़ रियासत का रहने वाला हूँ। यहाँ किस लिए आया है? मालिक, हम नौकरी की गुजारिश कर रहा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी की गुजारिश लेकर के आया है? बीर शेर को तो भली भांति जनता पहचानता होगा। हाँ मालिक, बीर सेन को मैं भली भांति जानता और पहचानता हूँ। पहचानते हो? हाँ मालिक। अगर के मुझे बीर शेर को गिरफ्तार करवा दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 50,000 का इनाम दिला दूंगा और इस दरबार में किसी पद पे तैनात भी करवा दूंगा। ठीक है मालिक, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पकड़ा दूंगा। क्या पकड़ाएगा? बीर सेन। और कुछ पकड़ाओ, चक्करों में न रहे हो। हमें बीर सेन चाहिए, बीर सेन। ठीक है मालिक, मैं आपको बीर सेन को अवश्य पकड़ा दूंगा। सम्राट शमशेर सिंह, ये बीर सेन को भली बात जानता पहचानता है। इसके हाथों द्वारा बीर सेन गिरफ्तार हो सकता है। इसे किसी पद पे तैनात किया जाए और आज ही मैं इसके साथ पहाड़गढ़ रियासत की तरफ जाऊंगा। शमशेर सिंह, इसे सिपाही पद पर तैनात किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। चलो मेरे साथ खाना खा लो, रामगढ़ की वर्दी पहन लो। हम तुम्हारे साथ पहाड़गढ़ रियासत की तरफ चलेंगे। ठीक है, मंत्री जी को अपने इलाके ले जाओ और अपने वहाँ इनको पकड़ा देना। क्या? वीर सेन, वीर सेन को पकड़ा देना। ठीक है, हम पकड़ा देंगे वीर सेन। आओ मेरे साथ। शिवाही जी हुजूर, ये पहाड़गढ़ रियासत का रहने वाला है। हाँ। और सम्राट विक्रम सिंह का सिपाही है, इसे सिपाही पद पर तैनात कर दिया हूँ। महाराज, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपने दुश्मन के आदमी को जो है अपने यहाँ रख लिया। आपने कभी किसी कहावत में सुना नहीं कि नागिन के बच्चे से करना कभी प्यार नहीं और दुश्मन लाख कसम खाए फिर भी करना एतबार नहीं? लेकिन सिपाही है तो ये दुश्मन का आदमी। हाँ महाराज, लेकिन इस पे कड़ी निगरानी रखना। और ये होशियारी करने की कोशिश करता है तो फौरन गोली चला देना। बहुत अच्छा, ये हमारा हुक्म है। बीर सेन, बीर सेन खोपड़ी के बवाल होएगा। बीर सेन न हो गया साला गब्बर सिंह हो गया। लेह बंदूक यार, टहर रही न, हमका जखान नहीं ना। अगर मिल जाए तो हम होगा 50,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए। 25,000 के बीमा करा ली, 25,000 में गुंडई। 5 साल बाद फिर 50,000, फिर 25 के बीमा, फिर 25 के गुंडई। टहल करे के जरूरत नहीं ना। लेकिन यार देरों लागत की कहूँ आने ठाणे पाएगा मिरुअर दीर तो एकदम ही हमारा बीमा हो। हटा जो नमक मिर्चा खाए रही वह ठीक कहना है। और दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम। ये तो फिल्मी दुनिया का ओरिजिनल चल रहा, लेकिन जब जंगे मैदान में लड़े गए रहे तो हमारा बहुत बुरा हाल हुआ था। हुआ क्या था, लाइन यही ध्यान दीजिए। और भौजी मोरा खुलगा पैजामा, पौजमोए धोखा दे दी नहीं एक आधेन का तो मीरो बह करे। अरे भौजी मोरा खुलगा पैजामा, हाय राम हम तन क्यों नहीं जाना, हाय राम। राधा तो नाना रहा एकदम पुराना, नरवो गड़बड़ रहा, नारा रहा
भगवान राधा जी से इसी लाइन में कह रहे क्या, ध्यान दीजिए। राधा तोरी दहिया है खाना, राधा तोरी दहिया है खाना, मेरी जान करो ना तुम बहाना, मेरी जान करो ना। प्रिय बंधुओं, मैं सर्वप्रथम मैं अपने सभी संपूर्ण कला प्रेमियों से ये कहना चाहूँगा कि मैं जिस रास्ते से चलता हूँ लोग मुझे देख करके हंसते हैं, अठेलियाँ करते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें किया करते हैं। अरे और कुछ बच्चों का ये भी मत है कि देखो ये कैसा नौटंकी कर रहा है। बेटे नौटंकी होती क्या है, नौटंकी कहते किसे हैं। नवी इंद्रियों से गलत कार्य करने वाला ही नौटंकी कहलाता है। और नवी इंद्रियां वही हैं जैसे दो आँख, दो कान, दो नाक, मुंह, गुदा और लिंग। इन नवो इंद्रियों के द्वारा सारे गलत कार्य होते हैं। फिर ऐसा कौन इंसान है जो इस मृत लोक में आया हो और उसे नौटंकी से छुटकारा मिली हो। कोई किसी नौटंकी में परेशान है तो कोई किसी नौटंकी में व्यस्त है। परिणाम एक है, सिर्फ मार्ग अलग है बेटे। इसलिए मैं कहता हूँ किसी को देख करके मत हंसो। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिस बच्चे का पालन पोषण किया है आज वो कम से कम 18 वर्ष का हो गया है। उसे बुलाएंगे और उसे जो भी कलाएं सिखलाई हैं मैं उन कलाओं की परीक्षा लूँगा। अगर वो अपनी कला में सफलता प्राप्त कर ली तो मैं यहीं से एक प्रकार का अध्यादेश जारी कर दूँगा कि जाओ बेटा कमाओ खाओ और अपनी माँ का ऑलवेज ख्याल रखो। नारायण कीजिए हो, नारायण कीजिए हो। शपेरी बेटा, बेटे शपेरी, आओ मेरे लाल, आओ बेटा, आओ बेटा। आयुष्मान भाव बेटा, चिरंजीव हो। बेटी मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि आज तक जो भी परिश्रम करके मैंने तेरे को कुछ कलाएं दी हैं मैं उन कलाओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। बेटे अगर तू अपनी कला में उत्तीर्ण हो गया तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े राजाओं के यहाँ जा करके अपनी बीन की कला का प्रदर्शन करो। बेटा अपनी बीन की मधुर आवाज़ को सुना करके उनके हृदय को मुक्त करो। परंतु बेटा जो भी कमाओगे खाना माँ को मत भूल जाना बच्चे, क्योंकि तेरी माँ से तुझे देख करके जीती है और इस संसार में तेरे सिवा उस बेचारी का है कौन बेटा। और वैसे भी श्री गणेश जी की पूजा सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च और सर्वोत्तम सिर्फ माता पिता के परिक्रमा करने से मानी गई थी। माता का दर्जा इस धरती से देती और पिता का दर्जा कहीं बेटे आसमान से ज्यादा ऊंचा दिया गया है। अगर माँ के कदमों में जन्नत है बेटा तो ये मत भूल जाना पिता भी एक जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए उसके हर ऑर्डरों का पालन करना तेरे लिए मैंडेटरी होगा बेटा। देख ये हमारी दी हुई अमूल रत्न बेटा ये गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरे लाइफ में परेशानियां भी आ सकती हैं, क्योंकि तेरी जिंदगी का एक दूसरा प्रारूप इसे संभाल करके रखना बेटा। सुना मेरे बच्चे, इसकी मधुर आवाज़ को सुना करके जरा सा मेरे कलेजे को ठंडा कर बेटा, क्योंकि मैंने बहुत परेशानी उठाई, दिन रात एक कर दिया है मैंने इस कला को सिखलाने में। सुना करके जरा सा मेरी आत्मा को शांति दिला बेटे। सुना मेरे बच्चे, सुना लाल, चमत्कार कर दिया बेटा, तुम्हें तो चमत्कार कर दिया।
शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। मैंने जितनी परिश्रम से तेरे की इस कला को दिया था, उतने ही श्रम के साथ तूने इस कला को कंठस्थ करके, अध्ययन करके, स्टडी करके मेरे हृदय को अत्यंत प्रफुल्लित कर दिया बेटा। मैं बहुत खुश हुआ। जा बेटे, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद मेरा ही शायद तेरे साथ होगा, कभी तेरा बाल बांका नहीं हो सकेगा बेटा। परंतु इसी के साथ साथ तेरे लाइफ में कुछ ऐसे विशेषण जैसे ख्याल रखना अनिवार्य बेटे। देख, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बेटी समझना बेटा, क्योंकि उनके साथ कभी दुर्व्यवहार करने का प्रयत्न मत करना बेटा। कहते हैं चलो चलो तो सबका है, और बिरले पहुंचे कोई, और एक कनक और कामनी बिटुआ दुर्गम घाटी दो, गाठी दाम ना बांध, और नहीं नारी से नहीं, और कह सकती उन भक्त की बिटुआ हम चंदन की खे। तू भीख मांगने जा रहा है, कोई देता है तो ठीक है बच्चे, और नहीं देता तो फिर भी उसका भला है। क्योंकि सहज मिले सो दूसम, और महंगा मिले सो पान, और कह सकती वह रक्त समझे माँ जा मैं खैचाता। ज़ियालत मौत से बदतर होती है बेटे, कोई बड़ा है तो रहने दे, मैं छोटा बन करके जी लूंगा। ऐसी बाड़ी बोले कि क्यों न कहे कि चुप, और ऐसी जगह बैठी है बेटवा कि क्यों न कह सके दूर। अगर इतना करने के बाद भी कोई सडनली ऐसी समस्याएं घटती हैं, तो फिर मेरे नाम का उच्चारण करना प्रभु ने चाहा तो तेरी समस्याएं अविशाल हो जाएंगी बेटा, तेरी समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से होगा। जा मेरे लाल, कमाओ खाओ बेटा, कमाओ खाओ, माँ को ख्याल रखना बेटा, माँ को कभी कष्ट मत देना बच्चे, जा मेरे लाल, नारायण कीजिए। और बाबा शक्ति प्रभु, जब ये मासूम बालक मेरे करीब आता है और मैं अपनी अंतरात्मा से इसके दयनीय हालातों पे नजर डालता हूँ, तो मेरा कलेजा फट जाता है। ये कैसा दरबदर की ठोकरे खा रहा, ये कोमल सा बच्चा दूसरों के दरवाजे पे कटोरा लेकर के भीख मांगने जा रहा, कैसी माया है प्रभु। नारायण कीजिए, नारायण कीजिए।